वो तेरी स्किन तो काट काट के दिमाग, मतलब काट काट के मेरा सुझा दिया भैया मकोड़ों ने तो। यार ये कार्तिक यार टू, इसको देखने के चक्कर में ना मेरा पूरे का पूरा ढीला हो गया बॉडी पार्ट्स। अच्छा छोड़ो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पता है कि भाई आज के टाइम पे ना एक मूवी रिलीज हुआ है कार्तिकेया टू। अब हिंदी में ना इस मूवी को रिलीज ही नहीं होने दिया। अब वो आमिर खान का एग्रीमेंट हो या फिर अक्षय कुमार का, जबरदस्त तरीके का मास्टर माइंड एक्स वाई जेड कोई भी हो, आप लोग मेरे को बोलते हो 800,000 स्क्रीन मिला, 800,000 स्क्रीन मिला है। भाई मेरे को एक स्क्रीन आप लोग ढंग से बता देते ना तो मेरे को माकड़ इतना नहीं काटते। वो ऐसा हुआ ना कि भाई मेरे को पता था पीवीआर, आईनोक्स, सिनेपोलिस, दूसरा क्या बोलते हैं भाई एक्स वाई जेड जो भी हो यार, मेरे को पता था यहाँ पर मूवी लगने ही नहीं वाली। भाई सुबह ऐसा हुआ कि भाई कल रात को मैं देख के सोया था कि भाई दोपहर के 3 बजे ना ये मूवी का शो लगा हुआ है आईनॉक्स के अंदर आई थिंक। तो मैंने सोचा कि चलो ना दोपहर के 3 बजे चले जाएंगे, एंड सुबह उठ के देखा तो बुक माई शो पे भाई कार्तिक का टू का सब शो कैंसिल एंड उसके कोई शो ही नहीं लगे। मैंने बोला कि भाई इस मूवी को देखना है ना तो पीवीआर वीवीआर को छोड़ के है ना दूसरा कुछ देखना पड़ेगा, कुछ अलग तरीका का करना पड़ेगा। आपको पता होना है तो कुछ ऐसे कुछ थिएटर्स है जो कि भाई आईनॉक्स आने से पहले, पीवीआर आने से पहले, आई मीन मॉल्स वगैरह में मूवीज नहीं आती थी ना उससे पहले कुछ थिएटर्स हुआ करते थे जहाँ पर अपने पापा बाबा मतलब बाप दादा लोग मूवीज देखा करते थे। मीन्स के सिंगल स्क्रीन है ना जहाँ पर मतलब यार 80-80 और 100-100 रुपये का टिकट होता है आज के टाइम पे भी, ऐसे थिएटर्स में गया उस थिएटर में एंड भाई मतलब जैसे गया ना 5 मिनट के बाद उसका शो लगा हुआ था एंड वो थिएटर की हालत आप देखोगे भाई देखने में तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कहां पे आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई जितने भी देखने आए थे ना ऐसा लग रहा था कि भाई दारू की बोतल लेके अंदर दारू पीना, यार ऐसा फील आ रहा था मेरे को जब मैं इसको देखने के लिए गया तो। एंड जब मैंने उसका स्क्रीन देखा ना, स्क्रीन अच्छा था भाई, मतलब जैसे पीवीआर में होता है ना वैसे इस पे स्क्रीन तो जबरदस्त था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो सीट थी ना उसके अंदर इतने सारे माकड़ थे भाई, मतलब वहां पर जो बंदा मतलब हीरो जब एक डायलॉग मारता था ना तो 10 माकड़ आके काटते थे, फिर यहां से एक डायलॉग मारा फिर 10 माकड़ आके काट रहे। ऐसी तो था, ये अच्छी बात थी। बट फाइनली मैंने उस मूवी को देखा एंड मैं आपको क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं मैं यार वहां पे। एक्चुअली देखो ये जो थिएटर्स होते हैं ना वहां पर ऑनलाइन टिकट बुक होता नहीं है, वहां पर थिएटर। मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई यहाँ पर अगर मूवी सारी के सारी मूवी लगती है तो उसने बोला हाँ लगती है, साउथ की सारी लगती है, बोले हाँ सारी लगती है। तो मैंने बोला इसको ऑनलाइन क्यों नहीं दिखाते, तो बोले यहाँ पर है ना मूवी स्टार्ट होने के ना 15-20 मिनट पहले टिकट मिलता है कोई भी मूवी हो। मैंने बोला भाई कम से कम माकड़ तो हटवा ले, तो बोले भाई इतना पैसा नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ देखने के लिए नहीं आता। तो मैंने बोला भाई मेरे से भी गलती हो गया, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मतलब यार एक मूवी को देखने के लिए इतने पापड़ बेले मैंने आज। चलो छोड़ो कार्तिक टू के बारे में बात करते हैं। अब देखो यार आपको पता है मैं मुस्लिम एंड मुझे ये रामायण एंड महाभारत एंड कृष्णा के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, तो भाई ये मूवी मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी क्योंकि भाई अगर इंसान को कुछ पता ना हो ना तो वो अलग, वो मतलब उसको फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जा रहे हो आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो उस चीज़ का एडवेंचर करने में ना आपको डबल ने मतलब 10 गुना ज्यादा मजा आएगा। तो ये मूवी मेरे लिए मतलब एकदम नई थी, इसके पहला जो चैप्टर वो भी मैंने नहीं देखा हुआ है, तो ये मूवी मेरे लिए एकदम नई थी। इट्स अ फैंटास्टिक, मतलब जो फील मेरे को करने को मिला ना मेरे को एकदम मजा आ गया। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर जो कैरेक्टर है जो कि हीरो का कैरेक्टर है पूरे के पूरा फोकस है ना इस बंदे के ऊपर रखा गया है, और पूरे के पूरा फोकस पूरे के पूरे मूवी के अंदर आपको यही बंदा जो भी है ना सारा का सारा करते हुए नजर आता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये पूरी की पूरी मूवी है ना श्री कृष्णा जो कि द्वारका है ना उसके ऊपर बेस्ड है। तो भाई आपको इसमें ऐसे कुछ देखने को मिलता है ना जिसके बारे में मतलब आपके जो जिसको आप लोग बोलते हो ना पुराण ये सब वगैरह, मतलब जो जिस चीज़ को मानते हो मतलब दिल से मानते हो बट ऐसा होना भी मुश्किल है। लाइक मैं आपको कुछ चीज़ बताने की कोशिश करूँ, देखो मैं आपको स्टोरी रिवील नहीं करूँगा बिकॉज अगर मैंने थोड़ा सा भी आपको बता दिया ना तो आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा मैं जानता हूँ। देखो मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली ये जो मूवी है ना आपकी भावना से कनेक्ट करती है, मीन्स के एक आपने जो धर्म है उससे कनेक्ट करती है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो भाई ये मेरे पीछे दीवार है ठीक है, अब इसका मैं आपको बोलूंगा इसके पीछे भगवान है, अब आपकी भावना इससे जुड़ी है तो आप इसको मारोगे कि हाँ इसके पीछे भगवान है। बट अगर लॉजिकली देखने के लिए तो कोई बोले भाई इसके तो दीवार है इसके अंदर भगवान कहाँ से आया, बट फिर भी आपको मानना पड़ेगा क्यों, क्योंकि भाई ये किसी धर्म से मतलब आपकी भावना से ये भाई हमारे जो हिंदू भाई वो लोग मानते हैं कि भाई हर पत्थर में भगवान होता है, तो आप उसको मानोगे क्यों, क्योंकि भाई किसी भावना के ऊपर सवाल नहीं उठाया करते, किसी का जो इमोशन होता है किसी का जो फीलिंग्स होता है उसके ऊपर है ना सवाल नहीं उठाया करते। तो ये जो मूवी है ना ये मूवी के अंदर ऐसे बहुत सारे सीन्स आते हैं जिसमें आप बोलोगे कि भाई मतलब कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा यार, मतलब यार ऐसे 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 कैसे हो सकता है, बट फिर भी आपको मानना पड़ेगा क्यों, क्योंकि भाई आपकी भावना से ये मूवी खेलती है एंड आपकी भावना से आपकी जो फीलिंग्स है आपके जो कृष्णा जी है जो उनके साथ जो आपकी फीलिंग्स है जो आपकी भावना है उसके ऊपर आप लोग सवाल नहीं उठा सकते, बट बहुत सारे सीन्स ऐसे आते हैं जो कि भाई लॉजिक नजर नहीं आता तो उसके ऊपर सवाल उठाना भी गलत है। तो भाई हम बोलते कि चलो चला
चला लेते हैं, क्योंकि भाई एक धर्म के ऊपर से एक मतलब ऐसी चीज से ये मूवी चल रही है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट पे ये मूवी बनी है जो जिसको भाई मतलब सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। एंड एक ऐसी मूवी का मतलब एक इस तरीके से मूवी बन रही है ना, एटलीस्ट हमारी संस्कृति को गलत दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। जो भी दिखा रहे भले लॉजिक नहीं है, जो भी दिखा रहे मतलब कम से कम इंसल्ट तो नहीं कर रहे, तो आप बोलते हो चलो चलेगा। उसके बाद मैं आपको बात करूं लोकेशन की, विजुअल्स भाई एक नंबर लगते हैं, जबरदस्त तरीके के लगते हैं, मजा आता है देखने में। जितना भी आप जितने भी आप लोकेशन इसके अंदर देखोगे जबरदस्त लगते हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भाई इसके अंदर जो हीरोइन है उसको तो भाई मतलब यूं समझो कि नहीं लेते थे तो भी चलता था भाई, उसका काम तो इतना कुछ खास दिया ही नहीं। बट अगर आप मैं बोलता हूं अगर किसी फीमेल एक्टर को ले रहे हो ना तो उसको सही तरीके से काम दो तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अनुपम खेर पर, तो भाई अनुपम खेर यार मेरे को एक बात बताओ यार, ये बॉलीवुड का सुपरस्टार है, इतने कितने दर्जनों मूवी बॉलीवुड की क्यों हुई है? तो भाई इसका यार जब मैं आवाज सुन रहा था टोटली चेंज यार, अब मेरे को समझ नहीं आता अनुपम खेर का जो डबिंग करने का जरूरत क्या था, इसको खुद को बोलते थे भाई आ आवाज दे अच्छा लगता था भाई, मतलब खुद की आवाज खुद देता तो मजा आता था, इसका भी डबिंग करके चिपका दिए, अब मेरे को समझ नहीं आया क्यों। देखो यार मूवी जबरदस्त लगता है इसके में, खास करके इसके अंदर जो आपको लोकेशंस देखने को मिलती है, जो विजुअल्स आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत आपको इसमें वीएफएक्स देखने को मिलेगा, डायलॉग जबरदस्त लगते हैं इसके अंदर, स्पेशली जो म्यूजिक डाला गया ना म्यूजिक जबरदस्त लगता है। एंड जिस तरीके से ये बंदा एक एडवेंचर पे निकल रहा है, जिस तरीके से भाई एक वो क्या बोलते हैं यार मतलब वो एडवेंचर तो है बट आप लोगों की भाषा में कुछ बोलते हैं यार, जिस तरीके से भाई ये बंदा मतलब कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिसके बारे में पता नहीं होता है, उसके बारे में हम मानते नहीं है, जिस तरीके से उन शक्तियों के बारे में बंदे को पता चलता है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। एंड खास करके जिसको इसके बारे में कुछ पता ना हो तो उसको तो और ज्यादा मजा आता है, जैसे कि मैं, मुझे ये मूवी के अंदर जिस तरीके से भाई शौक किया है ना सारे का सारा, मुझे वो देखने में काफी ज्यादा मजा आया। हाँ एक बात बोलूंगा इस मूवी के लिए कि इसका जो स्क्रीन प्ले ना थोड़ा सा मेरे को वो बोलते हैं ना ढीला लगा, मींस के बहुत स्लो लगा यार, और थोड़ी से फास्ट तरीके से फास्ट फॉरवर्ड होता ना तो और ज्यादा मजा आता था। बाकी जिस तरीके से वो यार मतलब जिस तरीके से एडवेंचर कर रहा है, जिस तरीके से उसको भी पता नहीं है, जिस तरीके जो शक्ति होती है, जिस तरीके से उसके लिए सारे का सारा नया है ना, मुझे भी ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, बिकॉज सारे का सारा मेरे को इसमें नया लग रहा था, इट्स आउटस्टैंडिंग एंड फैंटास्टिक यार। स्क्रीन प्ले थोड़ा मेरे को ढीला लगा बट मजा आता है, खास करके म्यूजिक एंड उसके साथ जिस तरीके से विजुअल्स हमको देखने को मिलते हैं काफी जबरदस्त लगते हैं। एंड दो तीन सीन्स ऐसे आते हैं ना जिसको देख के आई एम टोटली शॉक्ड कि भाई ओ ये क्या हो रहा है, एकदम मजेदार लगता है यार, एकदम मजेदार लगता है। बाकी देखो मैं इसका स्टोरी के बारे में आपको इतना ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई एक एडवेंचर टाइप मूवी, इसमें आपको सस्पेंस देखने को मिलता है, इसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी फीलिंग से ये खेलती है, आपकी भावना से ये मूवी खेलती है, तो आपके दिल के बहुत करीब हो सकती है। हां नेगेटिव पॉइंट मेरे को नजर आते हैं इस मूवी के अंदर, बट एक्चुअली देखो जिस मूवी के साथ फीलिंग्स जुड़ जाए ना उसके बारे में अगर नेगेटिव पॉइंट भी है ना तो उसको माफ कर देना चाहिए, जैसे कि मैं केजीएफ के लिए बोलता हूं, केजीएफ चैप्टर 2 के लिए, जैसा मैं कश्मीर फाइल्स के अंदर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे बट उसको अभी जितने भी आप देखते हो उसके बारे में बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि भाई लोगों की भावना के ऊपर सवाल नहीं उठाया करते। इस मूवी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं कि भाई ऐसा 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 कैसे हो सकता है, बट अब देखो यार अपनी जो भावना होती है अपने भगवान के लिए, अपने अल्लाह के लिए, ईश्वर के लिए, वो क्या होती है, यही होती है ना कि भाई अभी हम बोलते हैं कि भाई यहां से ये हो जाएगा, ये भगवान कर देंगे, अल्लाह कर देंगे, मर्स के आपको पूरा बिलीव है कि भाई ये हो जाएगा, बट नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी भावना उससे जुड़ी है, तो उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठाया करते। इट्स अ मास्टरपीस, मैं इस मूवी को दूंगा 10 में से 6 स्टार। 4 स्टार में क्यों काट रहा हूं, सबसे पहले तो भाई वो आप लोगों ने अनुपम खेर को लिया, उसका आवाज क्यों नहीं दिया उसके लिए, दूसरा में ये कैरेक्टर के लिए काट रहा हूँ जो कि हीरोइन को आपने लिया, उसको आपने सही से काम नहीं दिया, दूसरा स्टार में इसलिए काट रहा हूँ। एंड तीसरा मैं काट रहा हूँ कि आपने जो मूवी ठीक ठाक बनाया बट बहुत स्लोली चलता है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इस मूवी को बनाते ना तो और मजा आता था। एंड चौथा पॉइंट मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि भाई आपने इस मूवी को सही तरीके से पैन इंडिया में रिलीज नहीं किया, आपकी वजह से मेरे को माकड़ ने काट कट के मेरी गान गिला कर दिया, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। सो मूवी ठीक ठाक है, मूवी जबरदस्त है, आप इसको देख सकते हो, आपको मजा आएगा, खास करके आपकी फीलिंग्स आपकी जो भावना उसके ऊपर पूरी खरी उतरेगी। सो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ये मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक वाला फीलिंग था मूवी देखने का, सबसे खतरनाक वाला। सो बहुत ही मेहनत करके इस मूवी को देखा और वीडियो बनाया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए टाटा, एंड तब तक के लिए लव यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाय बाय।